शॉर्टकट का समय चल रहा है। यदि कोई मैसेज लिखना है, कोई संख्या लिखना है, हर जगह शॉर्टकट का ही यूज हो रहा है। जैसे मुझे 10,000 लिखना है या 10 मिलियन लिखना है, तभी हम लोग 10 लिखकर 3 0 लिखकर 10,000 नहीं लिखते हैं। डायरेक्टली हम लोग 10K लिख देते हैं, और 10 मिलियन लिखना है तो 10M लिख देते हैं। लेकिन आप लोग के माइंड में भी एक सवाल आया रहेगा कि 10,000 लिखने के लिए हम लोग 10K क्यों लिखते हैं, 10T क्यों नहीं लिखते हैं। जैसे 10 मिलियन लिखना है तो हम लोग 10M लिखते हैं, ऐसे 10,000 के लिए 10T क्यों नहीं लिखते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में इस सवाल का जवाब बताने वाला हूं। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग के का प्रयोग क्यों करते हैं 10,000 लिखने के लिए। तो बताया जाता है कि के की कहानी एक ग्रीक वर्ड से शुरू हुई है जिसका मतलब हजार है। पहले ग्रीक में हजार के लिए प्रयोग किया जाता था, बाइबल में भी इसका जिक्र है। ग्रीक के बाद फ्रेंच में भी इस शब्द का प्रयोग अपना लिया गया, जो बाद में किलो बन गया। फिर किलो का इस्तेमाल हजार से जोड़कर किया जाने लगा। जहां भी किसी को हजार से गुणा करना होता था वहां किलो का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे 1,000 ग्राम, 1,000 मीटर, 1,000 किलोमीटर, 1,000 लीटर, इस तरीके से। यानी 1,000 के लिए 1,000 के लिए इस्तेमाल किए जाने लगा। इसी वजह से हजार का प्रतीक बन गया। ऐसे में किलो के लिए के का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि जब हम लोग 10,000 लिखते हैं तो 10K लिख दिया जाता है, या जो भी संख्या हजार में लिखते हैं उसके लिए के का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड कुछ इंटरेस्टिंग सवाल थे जिनके आपको जवाब भी काफी इंटरेस्टिंग लगे रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।